हेलो दोस्तों, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो आज मैं आपके साथ में नर्सरी टूर शेयर करने वाली हूँ जो मैंने संडे के दिन किया था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो सबसे पहले जो है, आज मैं जितने भी प्लांट्स बताऊंगी वो मोस्टली जो है समर्स के ही प्लांट है और हार्डी प्लांट है जिनको जो है आप इजीली लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं खूबसूरत सदाबहार बिंका, इनको जो है अभी आप लगा सकते हैं। और ये जो है देसी वाले बिंका हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी में हैं। और नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी जो है नर्सरी है और नर्सरी में काफ़ी अच्छे प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। नेक्स्ट जो है जो बिंका जो है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और दूसरी बात जो बताऊं मैं, यहाँ पर जो भी प्लांट है ना वो रीजनेबल प्राइस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोसेंड्रा हैं और आगे आप जाएंगे तो ये जो है हाइब्रिड वाले जो एक्जोरा रहते हैं वो रखे हुए हैं। तो ये सेडी प्लेस में रखे हुए हैं और ये क्रोसेंड्रा भी सेडी प्लेस में रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रेंजिया हैं। हाइड्रेंजिया की जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। मैंने भी एक प्लांट जो है परचेज़ किया है और यहाँ पर जो ज़्यादा सनलाइट आने की वजह से ये थोड़े से वाइट दिख रहे हैं, लेकिन ये पिंक पीच कलर में है। तो इनका कलर जो है चेंज होता रहता है। 60 रुपीज़ में है, बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में। और ये है एक्जोरा, जो डॉब वैरायटी के एक जोड़ा होते हैं वो हैं। तो आप पॉलीबैग के हिसाब साइज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर छोटे से पॉलीबैग में है 30 रुपीज़ में और बड़े पॉलीबैग में 60 से 80 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। हिबिस्कस में बहुत सारे कलर्स हैं, ऑरेंज, पिंक, वाइट, येलो। तो हिबिस्कस जो है आपको 80 या 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है इजीली प्राइस और जो है वैरायटी मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं और इनको जो है समर्स में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये मिनिएचर हिबिस्कस है जो वाइट और पिंक कलर में होते हैं, बहुत ही अच्छे हेल्दी से प्लांट हैं। और इस नर्सरी में जो है, इस ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो है पर्सनली जो है अच्छे हेल्दी प्लांट मिलते हैं तो अधिकतर मैं यहीं पर जाती हूँ। उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कनेर के प्लांट रखे हैं, ओलियंडर के प्लांट जो है, जो हाइब्रिड वैरायटी में भी हैं और पिंक और येलो और वाइट कलर में हैं। और इनकी प्राइस जो है 120 से 150 रुपये है और बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। इनको भी आप इस टाइम पर समर्स में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और पूरे साल जो है आपको फ्लावरिंग देंगे। ये जो है थूजा के प्लांट हैं, इनकी प्राइस तो मुझे पता नहीं है लेकिन 100 से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसे भी नॉर्मली भी कॉस्टली ही आते हैं और बड़े बड़े पॉलीबैग में रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे मोगरा रखे हुए हैं, जो मल्टीपल पेटल वाले जो मोगरे होते हैं वो हैं। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत इनकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो इनको भी आप अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं और मल्टीपल पेटल हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, रोज़ की तरह दिखाई देते हैं पूरा खिलने के बाद में। इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बोगनविला रखे हुए हैं। बोगनविला में बहुत सारे कलर्स होंगे लेकिन अभी जो है फ्लावरिंग जो है खाली पिंक वाले में आई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये भी रखे हुए हैं और ये भी 50 से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि मतलब जो है परमानेंट प्लांट हैं और इनकी प्राइस ज़्यादा रहती ही है क्योंकि पूरे साल ब्लूम होते हैं। यहाँ पर जो है चित्रक के प्लांट हैं। चित्रक जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत कलर में होता है, जो है स्काई ब्लू कलर होता है और बहुत ही अच्छे गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। समर बेस्ट है इनको अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो आप इनके जो है प्लांट आपको बड़े पॉलीबैग और छोटे पॉलीबैग दोनों में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये है स्पाइडर लिली भी इस टाइम पर जो है आप ऐड कर सकते हैं। रेनी सीजन में या पूरे साल जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आप इनकी लीव्स कट करते जाइए, बहुत अच्छे ब्लूम होते हैं। यहाँ पर जो है जड्रोफा रखे हुए हैं। जड्रोफा भी गर्मी के टाइम में तो मोस्टली जो है बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, और अगर ब्लूमिंग भी नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी वेरीगेटेड लीव्स रहती हैं। अगर धूप में रखते हैं, छाया में रखते हैं तो ग्रीन ही रहती हैं, सिंगल ही रहती हैं, लेकिन आप थोड़ी सी धूप में रखेंगे तो वेरीगेशन आता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रोज़ के प्लांट हैं। तो रोज़ में जो है बहुत सारे कलर्स हैं, तो धूप ज़्यादा होने की वजह से फ्रंट जो है क्लियरिटी ठीक से नहीं आ रही है, क्योंकि सनलाइट जो है डायरेक्ट उसी साइड से आ रही थी जिस साइड से मैं कैमरे शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है देसी रोज़ भी हैं और काश्मीरी रोज़ भी हैं। तो काश्मीरी रोज़ अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत रहते हैं और उनमें कांटे नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये बेलपत्र के प्लांट हैं।
इनको भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, 8 से 10 इंच के गमले में लगाएं, बहुत अच्छे से चलते हैं, या ग्राउंड फ्लोर के लिए आप ले सकते हैं, तो इसमें जो है फ्रूटिंग भी होगी बड़े होने पर। इनको परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोगनविला की ही वेराइटी है, और नीचे में आप देख सकते हैं ये हैं मुसंडा, मुसंडा की ये दूसरी वेराइटी है, येलो लेमन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इनको ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेगम बहार हैं, बेगम बहार में फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन प्लांट जो है बहुत हेल्दी है और 60 रुपीज़ का प्लांट है, बहुत सारी ब्रांचेस है, मल्टीपल ब्रांचेस में ये प्लांट है। आगे पर आप जाएंगे तो आपको जो है ये चांदनी, जो मिनिएचर चांदनी होती है वो आप ले सकते हैं, टगर जिसको बोलते हैं, श्रीलंकन टगर बोलते हैं शायद से, तो इनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लीव्स दिखाई देती हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इनमें। और ये है टिकोमा, टिकोमा की ऑरेंज वेराइटी है, यहाँ पर टिकोमा की आपको सभी वेराइटी मिलेंगी, येलो ऑरेंज पिंक, तो इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ये 80 रुपीज़ का है, बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है, पिंक कलर का भी है, छोटे पॉली बैग में लगा हुआ भी मिल जाएगा 35 रुपीज़ में। ये भी टगर का ही प्लांट है, दूसरी वेराइटी है टगर की, तो इनको भी आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इनकी फ्लावरिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंस होती है, छिटके छिटके फ्लावर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और एक जोरा तो आप पहले भी देख चुके हैं, तो ये जो है बड़े पॉली बैग में भी मिल जाएंगे, छोटे पॉली बैग में भी एक जोरा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अडेनियम के भी बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो है आपको पॉट में लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूफोर्बिया मिली, यूफोर्बिया मिली में आपको डॉब वेराइटी भी मिल जाएगी और देसी वेराइटी भी मिल जाएगी, मिनिएचर फ्लावरिंग वाले भी प्लांट मिल जाएंगे और बड़े फ्लावर वाले प्लांट भी मिल जाएंगे आपको। जो है इसमें यूफोर्बिया मिली में बहुत खूबसूरत कलर मिलेंगे, येलो पिंक रेड, तो इनको आप परचेज़ कर सकते हैं, कॉस्टली थोड़े से हैं, 120 से 150 तक की वैरायटी है इनके पास में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब लेंटाना है, हैंगिंग वाले लेंटाना, पॉट वाले लेंटाना, और पर्पल वाइट और रेड और येलो कलर में हैं। और आगे आप जाएंगे तो आपको जो है ये मॉस रोज मिलेंगे, तो मॉस रोज में कई सारी वैरायटी है, ऑरेंज पीच येलो पिंक और पोर्चुला का भी हैं, तो ये सब प्लांट हैं जो आप समर्स में परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।